नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। ओबामा बोले, मुस्लिमों के लिए ये चिंता और डर का समय। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने धर्म की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इस बात को माना कि पूरे अमेरिका में मुस्लिमों के लिए ये चिंता और डर का समय है। साथ ही उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे दिखा दें कि अमेरिका सच में सभी मतों की रक्षा करता है। बाल्टीमोर की एक मस्जिद में मुस्लिम समुदाय को दिए अपने ऐतिहासिक संबोधन में ओबामा ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि अमेरिका दिखा दे कि वो इस्लाम को दबाता नहीं है और इसके विपरीत झूठ को खारिज करता है। बंदूक दिखाकर छीनी लालू के दामाद की कार। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के दामाद विनीत यादव की कार को सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास कुछ अज्ञात लोगों ने बंदूक दिखाकर छीन लिया। गुड़गांव पुलिस सहायक आयुक्त और सहायक प्रवक्ता हवा सिंह ने बताया कि दिन दहाड़े 4 से 5 अज्ञात हमलावरों ने बंदूक के दम पर सफेद रंग की एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार को विनीत के चालक हरि प्रकाश से छीन लिया। घटना के समय विनीत कार में मौजूद नहीं थे। पुलिस ने इस संबंध में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश जारी है। विमान हादसे से ओसामा को आया था अमेरिका पर हमले का विचार। अमेरिका में विमानों के जरिए हमले करने का विचार ओसामा बिन लादेन के दिमाग में 1999 में हुए मिस्र में एक विमान के उस हादसे से आया था, जिसमें पायलट ने जानबूझकर अपना विमान अटलांटिक महासागर में गिरा दिया था। अलकायदा ने अपनी ऑनलाइन पत्रिका अल मसरा में ये कहा है कि 11 सितंबर 2001 के हमले का विचार मिस्र के सह पायलट कामिल अल बतूती की कहानी से सूझा था। कामिल ने इजिप्ट एयर के विमान को समुद्र में गिरा दिया था। इस घटना में 217 लोग मारे गए थे, जिनमें 100 अमेरिकी शामिल थे। ये विमान लॉस एंजल्स से काहिरा जा रहा था।